तो रुद्रदत्त की जो पोइम है रेजोनेटरी, उसमें हम आगे स्टडी करते हैं। फर्स्ट दो वीडियो लेक्चर तो हमारे इस सीरीज़ के कंप्लीट हो चुके हैं, ये हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है। फर्स्ट स्टेंजा हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज सेकंड और थर्ड स्टेंजा के बारे में स्टडी करते हैं। वहन फर्स्ट माई केसमेंट इज वाइड ओपन थ्रोन एट डॉन माई आईज डिलाइटेड ऑन इट रेस्ट। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बता दें, मैं बार बार ये बात बोलूँ कि आप कॉमा कहाँ यूज़ होगा, सेमी कॉलन, कॉलन किस तरह से यूज होगा। तो छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत होती है। व्हेन माय फर्स्ट केसमेंट इज़ वाइड ओपन थ्रोन, जब मेरी केसमेंट मतलब विंडो, जब मैं अपनी विंडो को वाइड ओपन कर देती हूँ एकदम झट, थ्रोन का मतलब फेंकना। देखिए जब हम कई बार ऊपर के फ्लोर पर खिड़की को खोलते हैं तो हम थोड़ा पुश करते हैं, आप पुश करने से हम वो पूरी जो खिड़की है हमारी खुल जाती है, ठीक है। तो यहाँ थ्रोन उसी के लिए रखी, मैं एक बार सुबह अपनी जो खिड़की है उसको केसमेंट मतलब अपनी जो विंडो उसको एकदम झटके से खोलती हूँ एट डॉन, सुबह के समय सूर्योदय के समय मैं अपनी जो खिड़की है उसको झटके के साथ में खोलती हूँ। माई आईज डिलाइटेड ऑन इट्स रेस्ट, मेरी आँखें खुश हो जाती हैं जब इस चीज़ को देखती हैं, जब उस पर आराम करती हैं तो मेरी आँखें खुश हो जाती हैं। देखो डॉन की समय यहाँ पर वो थोड़ा सा कॉमा लिया, फिर यहाँ पर वो सेमी कॉलन यूज़ कर रही है, तो इसका मतलब ये कि वो उस चीज़ को, जो चीज़ उसकी आँखों के सामने आ रही है, जो सो रही है, उस चीज़ को वो देखना चाहती है, उसको उसको बार बार उसका देखना का मन कर रहा है। तो वहाँ पर इस चीज़ के लिए कॉमे से ज़्यादा रोकने के लिए सेमी कॉलन वर्ड यहाँ पर यूज किया है। समटाइम्स कभी कभी एंड मोस्ट इन विंटर, और सुबह के समय या सर्दियों के मौसम में, ऑन इट्स क्रेस्ट ए ग्रे बेबून सिट्स स्टैचू लाइक अलोन वॉचिंग द सनराइज। ऑन इट्स क्रेस्ट, इसकी शिखर पर एक ग्रे, एक भूरा बेबून होता है, एक बंदर होता है जो मतलब डॉग की शक्ल का होता है, सिट्स स्टैचू लाइक, स्टैचू जिससे कोई मूर्ति होती है वैसा इस पेड़ की शिखर के ऊपर अकेला बैठ जाता है और ऐसा लगता है कि वो सूर्यदेव को देख रहा हो, ठीक है। तो यहाँ तक हम दोबारा स्टडी करते हैं। वहन फर्स्ट माई केसमेंट इज वाइड ओपन थ्रोन डॉन इट, तो जब मैं सुबह के समय पूरी खिड़की को खोलती हूँ तो माई आईज डिलाइटेड, मेरी आँखें खुशी से भर जाती हैं जब उन चीज़ों को देखती हैं, जब उस पेड़ को देखती हैं, उस पेड़ के ऊपर होने वाली चहचहाट को देखती हैं, तो मेरी आँखें खुशी से भर जाती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। समटाइम्स कभी कभी एंड मोस्ट इन विंटर, और लेकिन समटाइम्स कभी कभी और ज़्यादातर किसमें, सर्दियों में होता क्या है, एक ग्रे बेबून सिट्स स्टैचू लाइक अलोन वॉचिंग दी सनराइज, एक भूरा कलर का जिसकी बेबून जो मंकी है बट उसकी जो स्टाइल है वो डॉग से स्टाइल है, तो उसमें क्या करता है वो उस पेड़ के ऊपर अकेला बैठकर और सूर्यदेव को देखता है, यहाँ पर किसका मतलब है शिखर के ऊपर बैठकर देखता है। वाइल जबकि ऑन लोअर बाउ, और जो नीचे की शाखा है, ऑफ स्प्रिंग लीप अपाउट एंड प्ले, और उसके छोटे छोटे से स्प्रिंग होते हैं, उसके बच्चे जो छोटे छोटे से बच्चे हैं वो लीप उछल कूद करते रहते हैं यहाँ से वहाँ एंड प्ले, और उस पर खेलते रहते हैं, उस पेड़ पर वो बच्चे खेलते कूदते रहते। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर जो पोइटेज बार बार सेमी कोलोन वर्ड यूज़ कर रही है, एक पंक्चुएशन मार्क है वो यूज लगा रही है बार बार, तो इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पर जो वो कहना चाहती है उसको वो बार बार रोक रोक के अपनी बात को कहने की कोशिश कर रही है कि उस पेड़ पर ऐसा क्या होता है, इस पेड़ पर ऐसा क्या होता है। पहले स्टेंजा हमें उसके फिजिकल व्यू को बताती है कि वो पेड़ एक्चुअली है, फिर अब यहाँ पर उस पेड़ पे कौन कौन से क्या क्या चीज़ वो अच्छी लगती हैं, कौन कौन से मतलब एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आती हैं, किस तरह से फ्लाई होती है, किस तरह से सॉन्ग अपीयर होता है, किस तरह से सूर्य सनराइज एंड सनसेट होता है, तो एक तरह से होता क्या है वो हमारे यहाँ ब्यूटीफुल इमेजिनरी यूज़ करके उस पोइम को हमारे सामने लाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर बार बार वो अपने आप को रोक रही है, फिर अपने बात को कह रही है, तो इसका मतलब है वो अपनी बात को एक अच्छे तरीके से समझाना चाहती है। हिज पनी ऑफ स्प्रिंग लीप अवर्ड, ये हो गया, एंड फॉर एंड नियर को किला सिल द डे, और पास में भी और दूर में भी, मतलब फॉर एंड नियर, यहाँ वहाँ जो कोकिलाज हैं, जो कोयल भी हेल स्वागत करती हैं दे दिन, हेल मतलब स्वागत करती है दिन का, वो भी स्वागत करती हैं, एंड दियर पास वेंड आवर
स्लीपी काउस और देर पास्चर, और जो चारा गए हैं वो जो पास्चर जो चारा गए हैं वीन्स, जहाँ पर हमारी नींद की सुबह की नींद ली हुई जो काउ आती हैं, तो वो भी धीरे धीरे वेंड मतलब धीरे धीरे चल रही हैं। एंड इन दी शेडू ऑन द ब्रॉड टैंक कास्ट बाई दैट हॉट ट्री सो ब्यूटिफुल एंड वास्ट द वाटर लिलीज स्प्रिंग लाइक स्नो इन मास्ट। तो कहने का मतलब है, यहाँ तक तो ऊपर की बात हो गई, अब वो बोलिए कि और छाया में, एंड इन दिस शैडो और छाया में, ऑन द ब्रॉड टैंक कास्ट, जिसमें इसकी छाया में एक ब्रॉड टैंक है जो एक तरह से क्या पानी का विशाल टैंक होगा, बाय दैट वाटर इस ट्री के किनारे पर ही, सो ब्यूटीफुल, उस टैंक में जो विशाल टैंक है उसमें वाटर लिलीज वाइट कलर के फ्लावर्स हैं वो उग रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे वो स्नो इन मास की बर्फ के गुच्छे जमने जगह पर जम गए हो, ढेर जगह पर जम गए हो। इन मास्ट का मतलब है ढेर होना किसी चीज़ का। तो यहाँ पर जो लिली के फ्लावर्स हैं जो वाइट होते हैं इन कलर में, तो उस वाइटनेस को दिखाने के लिए यहाँ पर जो पोएटेस है वो स्नो वर्ड यूज़ करती है, और स्नो वर्ड हमें एक ब्यूटीफुल मतलब हमारे सामने एक ब्यूटीफुल इमेजिनरी सेट करता है कि किस तरह से वो जगह जगह उस वाटर टैंक में वाइट लगे हुए होंगे, जगह जगह कुछ छमल लगे होंगे। तो ये आपका पहला स्टेंजा, सेकेंड स्टेंजा कम्प्लीट होता है। आफ्टर दैट हम थर्ड स्टेंजा की ओर चलते हैं। But not because of its magnificence, dear the casuarina to my soul. अब देखो यहाँ तक वो सेमी कॉलन यूज़ कर रही थी, अब यहाँ वो कॉलन यूज़ कर रही है। इसका मतलब ये है कि वो अब यहाँ पर रुक गई, अब हमें कुछ और बताना चाहती है, रुक कर बहुत ज़्यादा रुक के हमें किसी बात का इंडिकेशन करना चाहती है, कुछ हमें बताना चाहती है। बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स ए मैग्निफिक, इसकी शानदारता इसकी भव्यता की वजह से नहीं, डियर द कैजुअरन टू माई सोल, कि जो कैजुअरन ट्री है वो मेरी आत्मा के लिए इसकी भव्यता इसकी विशालता की वजह से नहीं है। तो ये जो हमारा इसका स्टेंजा है बहुत ब्यूटीफुल है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये स्टेंजा है। बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिकेंस, इसकी सुंदरता है भव्यता की वजह से नहीं, डियर द कैजुअरन टू माई सेल, ये कैजुअरन टेम मेरी इसकी विशालता भव्यता की वजह से इसको प्रिय नहीं, बीनीथ इट इसके नीचे वी हैव प्लेड हम खेले हैं दो ईयर्स में रोल किए, हो सकता है ईयर एक के बाद में एक रोल हो चुके हैं, पलट भी गए हों यहाँ पर हम कई ईयर, जो जब वो बात की कह रही है जिस टाइम जोन को वो बताना चाहती है, तो ये बोल रही है कि उस टाइम जोन में हम इस पेड़ के नीचे खेलते थे। यहाँ उसके दो भाई बहन एक अब्जू और अनु के बारे में बात हो रही है, तो वो बोल रही अरु के बारे में, अब्जू और अरु के बारे में बात हो रही है, तो वो बोल रही उन भाई बहनों के साथ में वो यहाँ पर खेली थी कूदी थी, बट वो ईयर अब रोल हो चुके हैं, मतलब वो भी अब पलटते चले गए पलट, और आज एक न्यू ईयर मेरे सामने क्रिएट हो गई आ गई है। तो यहाँ पर रोल वर्ड उन्होंने इसीलिए यूज किया है। ओ स्वीट कंपेनियंस, ओ मेरे प्यारे साथी, था उन्हीं के लिए इंडिकेशन कर रही है, लव विथ लव इंटेंस, मैं तुमको लव करती हूँ, बट लव की इंटेंस प्यार की बहुत ज़्यादा गहराइयों के साथ मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। फॉर योर सेक्स, तुम्हारी भलाई के लिए, सेल द ट्री वी एवर, तुम्हारी खातिर ये पेड़ भी मेरे लिए हमेशा प्रिय होगा, ब्लेंड विथ योर इमेज, तुम्हारी आँखों के साथ में तुम्हारी जो इमेज हैं जो तुम्हारी प्रतिकृति है जो तुम्हारी जब हम खेले थे वो जो मेरी फीलिंग्स हैं तो उनके साथ में मिल गया है। इट सेल अराइज इन मेमोरी, ये तो मेरी यादों में उगता है चलता है, टिल द हॉट टीयर्स ब्लेंड माई, जब तक मेरी यादों में आँखों में आता रहता है, जब तक तुम्हारी जो इमेजेस मेरी आँखों में आती रहती हैं, जब तक कि आंसू की वजह से मेरी आँखें अंधी ना हो जाती है, मतलब आँख से आंसू मेरे भर ना जाओ, होता क्या है जब हमारी आँखों में आंसू भर जाते हैं तो हमें दिखना बंद हो जाता है। तो हम इस बात को समझ रहे हैं, इस स्टेंजा से हमें कहीं ना कहीं ये जो पोइट का टाइम जोन है वो हमें अट्रैक्ट करता है, हमसे इंटरेक्ट होते हैं उससे, कि किस तरह से जो पोइटेस है अपने भाई बहनों को मिस करती है, और किस तरह से वो उनको रिमेम्बर करती है, उनकी जो इमेजेस हैं उनको क्रिएट कर रही है अपने सामने, और इस पोइम के थ्रू और अपनी उनकी याद में वो कैजुअल ट्री को भी अमर कर देती है, मॉडल बना देती है। बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिकेंस, डियर द कैजुअल ऑफ माई सोल, बीनीथ इट वी हैव प्लेड,
तुम ईयर्स में रोल ओ स्वीट कंपेनियंस लव्ड विथ लव इंटेंस फॉर योर सेक सेल द ट्री बी ए वडिया ब्लेंट विथ योर इमेजेस इट सेल अराइज एंड मेमरी टिल द हॉट ईयर्स ब्लेंड माई आईज. What is that does like murmur that I hear does like मतलब ऐसा कौन सा शोक गीत कौन बड़बड़ा है. इस तरह का does का मतलब है शोक गीत. इस तरह का शोक गीत कौन बड़बड़ा रहा है. That I hear जिसको मैं सुन रही हूँ. Like the sea breaking on a single beach जैसे समुद्र है तोड़ रहा हो. सिंगल बीच का मतलब होता है पत्थरों कंकड़ों वाले जो बीच है जो तट है उसको तोड़ रहा है अपनी लहरों के द्वारा. वैसा आवाज़ एक्चुअली जब भी हमारी जितने भी पोइटर्स हैं अगर ग्रिफ को अगर हमारी वार्डली प्लीजर को तो अलग असाइड कर देते हैं हम बट जब हमारे ग्रीव को सो होते हैं हमारे मतलब एक तरह से हमारी फिजी हमारी जो ह्यूमन एक परस्पेक्ट को अगर एक्सप्रेस करना चाहते हो तो वेव्स का उदाहरण देते हैं. ऐसा क्यों देते हैं जैसे वेव्स आती हैं जाती हैं बट सी से कुछ कंकड़ पत्थर वो तट पर छोड़ जाती हैं. इन द सेम वे कई बार हम चलते हैं जैसे तट बिल्कुल प्लेन होता है हम उस पर मार अपने फुट मार्क बना देते हैं लेकिन जब कोई आता है तो वो मार्क के जैसे वेव्स आते हैं वो इरेज हो जाते हैं. तो यहाँ पर ये बोल रहे पोइटेज कि जिस तरह से वेव्स आती चली जाती हैं बट कुछ मार्क छोड़ जाती हैं जैसे पत्थरों के रूप में या अदर चीज़ों के रूप में. तो वो मार्क ही एक तरह से ह्यूमन पर्सन की जो रिमेम्बरिंग है जब वो लास्ट टाइम पर वो चले जाते हैं तब हम उन लोगों को याद करते हैं. तो ये मार्क उन्हीं चीज़ों को डिनोट करते हैं उन्हीं चीज़ों को बताते हैं कि अगर हमने इस बर्ड में अगर हम हमारा बॉर्न हुआ तो हमारी डेथ होना ज़रूरी है बट हम कुछ ना कुछ अच्छा करके या अपने लविंग बर्ड्स होते हैं जो लोग होते हैं लविंग वंस होते हैं उनके लिए हम कहीं ना कहीं तक हमारी इमेजेस रह जाती हैं. इट इज़ ट्रीज लेमेंट क्या ये पेड़ का भी शोक हो सकता है. एंड इट इज स्पीच दुख भरा एक क्या होता है स्पीच देती है. ऐसा लग रहा है पेड़ एक दुख भरा स्पीच दे रहा है दैट हैप्पली टू अननोन लैंड मैरिज हो सकता है. हैप्पली का मतलब बाई चांस है यहाँ पर. हैप्पली का मतलब हैप्पी वाला हैप्पी नहीं है बाई चांस वाला हैप्पी है कि अगर हम बाई चांस अगर मुझे भी उस अननोन लैंड पर पहुँचा देगा हो सकता है जो संगीत जो ये पेड़ अगर सुना रहा है मुझे वो हो सकता है धीरे धीरे उस लैंड में उस अननोन जगह पर भी चला जाए जहाँ पर मेरे भाई बहन रह रहे हैं मतलब मेरे लविंग वंस चले गए हैं उन तक भी ये संगीत चला जाए उन लोगों को भी ये संगीत की फीलिंग्स हो जाए. अननोन येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ कभी अनजान भी है और हमारी जो विश्वास की आँखें हैं वो अच्छे से इस बात को जानती हैं. हाँ आई हैव हर्ड दैट वेल फार फार अवे मैंने इस बात को सुना है इस बात को जाना है कि अगर कोई एक बार चला जाता है तो बहुत बहुत दूर चला जाता है और उस जगह से कभी भी लौट के नहीं जाता. तो कहने का मतलब है पोइटेस इस बात को अच्छे से जानती है समझती है लेकिन फिर भी वो इस बात से अनजान बनने की कोशिश कर रही है और अपनी जो उसको जो ये रिमेंबर हो रहे हैं जो याद आ रहे हैं वो लोग उनके लिए वो बहुत ज़्यादा दुख होता है उसको और वो चाहती है कि जो उस वो कहना चाहती है वो उस अननोन जगह तक भी पहुँच चली जाए. तो यहाँ पर एक यदि स्पीच एक स्ट्रिंग अजीब और फ्राइटिंग स्पीच की वो बात करती है. तो ये अब इस पोएम का आपका थर्ड और फोर्थ स्टैंजा और बताएं जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं.